Hello students of 6th class, I'm starting your English class. As you know, we have studied our first chapter about the mother's love. A mother's love, this chapter we have completed. So today we will solve the exercise of this chapter. So first exercise is objective type question. Tick the correct option. See, a mother can understand our, maa kya samajh sakti hai, our tears. एंड सेंट फ्रॉम गॉड, माँ जो है वो भगवान के द्वारा भेजी गई एक परी की तरह से है, तो एंजल. क्वाइट सडनली इज रियल. देयर आर टाइम्स व्हेन ओनली अ मदर कैन अंडरस्टैंड फॉर फियर्स. ठीक है, मैच द फॉलोइंग. मैच करिए मदर्स लव, डे, टुडे, फेथ, ट्रस्ट इन somebody, सूद, सूद मीन टू मेक someone sad फील relaxed. अगर कोई परेशान होता है, उदास होता है, तो उसको रिलैक्स फील कराना क्या होता है, सूद. ठीक है, राइट ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, ट्रू और फॉल्स बताने हैं आपको. मदर फील्स डिसअपॉइंटेड व्हेन हर चाइल्ड डज नॉट डू वेल. जब हमारा बच्चा, जब किसी माँ का बच्चा कुछ काम ठीक नहीं करता है, तो क्या माँ डिसअपॉइंटेड हो जाती है? नहीं, वो डिसअपॉइंटेड नहीं होती है, वो अपने बच्चे को भी डिसअपॉइंट होने से बचाती है, तो ये रॉन्ग है. मदर पार्टिसिपेट्स इन अवर जॉयज एंड सोरो. माँ हमारे दुख और सुख दोनों में पार्टिसिपेट करती है. यस, मदर्स फेथ इज इन, मदर्स फेथ इन अस गाइड्स थ्रो अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ. माँ हमारी जिंदगी के उतार चढ़ाव में हेल्प करती है, गाइड करती है, उनका विश्वास गाइड करता है. यस, मदर अंडरस्टैंड व्हाई हर चाइल्ड इज सैड. माँ समझती है कि उसका बच्चा परेशान क्यों है. यस, मदर्स लव कैन कम्फर्ट अस व्हेन वी आर इमोशनली डिस्टर्ब. जब हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, तो माँ का प्यार हमें कम्फर्ट फील करा सकता है. यस, मदर इज अ गिफ्ट ऑफ गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू अस. यस, एंजल सेंट मदर टू अस. नो, भगवान ने भेजा. चलो एंजल्स का भी चल जाएगा वैसे तो, है ना, मतलब जैसे माँ परी की तरह लगती है ना, तो एंजल सेंट टू अस, परियों ने ही उनको भेजा है, परियों की रानी की तरह से भी लगती है माँ. ठीक है, मदर इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस टू इन अस टू टेक ऑन लाइफ चैलेंज. जिंदगी के चैलेंजेस लेने के लिए माँ हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ती है. यस, मदर फील्स केयर्ड व्हेन वी आर काम. जब हम शांत हो जाते हैं, तो माँ घबरा जाती है. हाँ, माँ घबरा जाती है, ठीक है ना, जब बच्चे बिल्कुल शांत हो जाते हैं, मतलब कि जिंदगी से अपना भरोसा खो बैठते हैं, तो उस समय माँ घबराती है अपने बच्चों के लिए. ठीक है, वॉट हेल्प्स, ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देखिए. वॉट हेल्प्स वन ऑन लाइफ्स वे. जिंदगी के रास्तों पर कौन हमारी हेल्प करता है, तो इसका आंसर होगा मदर्स फेथ, MOTHER अपोस्ट्रोफी एस FAITH, मदर्स फेथ. Why does one need confidence from day to day? किसी को भी कॉन्फिडेंस की जरूरत क्यों होती है, हर रोज क्यों जरूरत होती है, तो इसका आंसर लिखना because, साफ दिखाई दे रहे हैं, because of the difficulties of life. BECAUSE, because, OFOFTHE, the DIFFICULTIES, difficulties, OFOFLIFE, life. Because of the difficulties of the life की difficulties की वजह से हमें हर दिन confidence की जरूरत होती है, कि भाई उनको face करना होता है. ठीक है, This poem is about mother's love. ये poem माँ के प्यार के बारे में है. Helping one to cope with the psychological and emotional problems faced during growing up years. बढ़ते हुए, हमारी जिंदगी के बढ़ते हुए सालों में जो हमारी psychological, emotional जो problems होती है, उनको face करने में माँ का प्यार, माँ का faith work करता है.
तो राइट योर व्यूज, आप अपने विचार बताओ आपको क्या लगता है, करता है माँ का प्यार ऐसे हेल्प, तो ये बता देना। मदर्स लव अंडरस्टैंड्स, माँ का प्यार समझता है, कंफर्ट्स दिलाता है, सपोर्ट करता है एंड गाइड करता है चिल्ड्रन थ्रू चैलेंजेस एंड हर्डल्स अलोंग लाइफ डिफिकल्ट जर्नी। ठीक है, अच्छा अब ये जो आपका फन टाइम है इसका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन यू हैव गोन टू लिव इन अ बोर्डिंग स्कूल, आप एक बोर्डिंग स्कूल में रहने जा रहे हो, यू मिस होम एंड योर मदर, आप अपने घर को और माँ को मिस कर रहे हो, राइट अ लेटर टू योर मदर, आप अपनी माँ को एक लेटर लिखो, राइट योर लेटर कीपिंग इन माइंड, लेटर क्या लिखना है आपको, क्या ध्यान में रखना है, द थिंग्स मैंशन इन द पोयम, पोयम के अकॉर्डिंग जैसे माँ यहाँ पर हेल्प कर रही है इस पोयम में वैसे ही आपको उसके अकॉर्डिंग राइट करना है। टेल हर हाउ यू मिस हर एडवाइस, आप याद करो कि माँ किस तरह से आप माँ की सलाह को एडवाइस को मिस कर रहे हो एंड गाइडेंस। वैन यू फाइंड योर सेल्फ इन डिफिकल्ट सिचुएशन, जब आप कठिन परिस्थितियों में होते हो तो माँ की एडवाइस, माँ के सजेशंस को कैसे आप, उनके गाइडेंस को आप कैसे मिस करते हो। ठीक है, तो ये मैं आपको कल लिखवाऊंगी, आप कोशिश कीजिएगा रफ नोटबुक में इसे लिखने की। सॉल्व द क्रॉस वर्ड पजल विद द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड, अरे ये अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड से आपको क्या करना है, ठीक है आपको ये फिल करना है। तो जैसे मदर, मदर का अपोजिट क्या हो जाएगा, फादर। ठीक है, ये फादर लिख दिया हमने FATHER। फिर है आंट, आंट का अपोजिट ये लिख दिया UNCLE अंकल। फिर है सिस्टर, सिस्टर का हो जाएगा ये, सिस्टर का कहाँ, ये रहा BROTHER ब्रदर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये एक गड़बड़ कर दिया, ये होगा, ये है नॉर्थ, तो यहां होगा SOUTH साउथ। फिर है इनकरेक्ट, इसका हो जाएगा CORRECT करेक्ट। ठीक है, यानी कि ये जो वर्ड दिए गए हैं इनका अपोजिट बना करके आपको इस पजल को सॉल्व करना है। ये तो मैंने सॉल्व कर दी, नेक्स्ट टाइम से मैं आपको मौका दूंगी सॉल्व करने का। आई होप कि जो आप बच्चों ने, कुछ ने तो सॉल्व खुद से कर ही ली होगी। ठीक है, तो एक एक एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे, ये एक एक्टिविटी मैंने छुड़वाई है, ये मैं कल करवा दूंगी आपको। आप अपनी रफ नोटबुक में से सॉल्व करके देखना। होमवर्क में क्या करना है आपको, अपनी फेयर नोटबुक निकालिए, डेट मेंशन कीजिएगा आज की, फिर क्या करेंगे आप, चैप्टर कौन सा है, चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर का नेम क्या है, मदर्स लव है, उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। यहाँ से ABCD ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। ठीक है, ये आपको बुक में ही पजल, बुक में ही सॉल्व करना है, और फन ये वाला कल करेंगे, ये वाला एक्सरसाइज आपको, ये जितना मैंने करा दिया है ये पूरा लर्न कर लेना, कल आपका टेस्ट होगा। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में टेस्ट होता है ना भाई, तो टेस्ट होगा सेफ टाइप से। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।